तो दोस्तों जिस तरीके का वीडियो आपने स्टार्टिंग पे प्रूव पे देखा, इस तरीके का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, पहले का नाम है VPN और दूसरे का नाम है कैपकट। VPN आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कैपकट को मेरे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको VPN को कनेक्ट कर लेना है और VPN कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट ओपन करने से पहले आपको VPN को कनेक्ट करके रखना है। VPN कनेक्ट होगा तभी आपका यहाँ पे एनिमेशन वगैरह काम करेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे 13 सेकंड का लिरिक्स वीडियो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐड करने के बाद इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेशियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे 9:16 का रेशियो सिलेक्ट करना है, देन टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपको करने क्या है, लास्ट पे आना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फोटो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एड पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एड पिक को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आ जाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक कर देना और टिक करने के बाद आप अपने स्क्रीन पे आ जाओगे। तो स्क्रीन पे आने के बाद करने क्या है, सबसे पहले अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर लेना और दोनों उंगली से प्रेस करके इसको इस तरीके से अपनी फ़ोटो को फुल स्क्रीन पे आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सभी पिक को जल्दी से ऐड करके दिखा दे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी पिक को फुल स्क्रीन पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पे आ जाना है। देन आपको इस पर एक ऑडियो ऐड कर लेना है। ऑडियो ऐड करने के लिए ऐड ऑडियो के ऊपर अपना क्लिक कर देना है, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इनपुट सॉन्ग ओनली पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये सॉन्ग आ जाएगा। तो आने के बाद दोस्तों आपको करने क्या है, अब आपका जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाना है, अपनी एक फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट पे जाने के बाद आपके इसका वेंटेज आपको हल्का सा बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई टू ऑल पे करके टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपके यहाँ पे ओवरले पे क्लिक कर लेना है, देन ऐड ओवरले पे क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस फोटो का लिंक, इस फोटो को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको इस तरीके से साइड पे अपना ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी लेंथ को आपको सबसे पहले लास्ट तक कर लेना है। लास्ट तक करने के बाद करने क्या है, आपको यहाँ पे सभी फ़ोटो को इस बीट्स के हिसाब से सेट कर लेना है। तो आपको फर्स्ट फोटो की लेंथ आपको 1.8 पे सेट कर लेनी है और सेकंड फ़ोटो की लेंथ को आपको 1.7 पे सेट कर लेनी है। तो इसको देख के आपको सभी फ़ोटो को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से ऐड करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी फ़ोटो को अपना बीट के हिसाब से ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोस्तों आप करने क्या है, इस फोटो को अपना क्लिक करके इसको आपको डिलीट कर देना है। इसका काम हो गया है। तो डिलीट करने के बाद स्टार्टिंग पे आ जाना है और फर्स्ट फोटो पे आपको क्लिक कर देना है, एनिमेशन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देन आपको कॉम्बो पे क्लिक कर देना है और कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करने क्या है, फर्स्ट फोटो के एनिमेशन पे आपको जूम वन को सिलेक्ट कर देना है। जूम वन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट फोटो पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे वेव एप्स वाला फर्स्ट वाला एनिमेशन ऐड कर देना है। तो इस वेव एप्सन वाला क्लिक करके आपको नेक्स्ट फोटो पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे तीसरे नंबर का वेव एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों फर्स्ट पे ये वेब एप्लीकेशन और सेकंड पे वेब एप्लीकेशन है, आप इसको ये जो भी अपना इसको सिलेक्ट कर देना है नंबर बाई नंबर। तो इस सभी पे मैं जल्दी से ऐड करके, तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो सभी मैंने एनिमेशन ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है, जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आने के बाद यहाँ से बैक होना है, इफेक्ट पे क्लिक कर देना, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना और वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेंस पे क्लिक कर देना है। लेंस पे क्लिक करने के बाद ये HDR वाला इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट पे जाके अपना साइज वगैरह, शार्पनर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेना, कर देना है। टिक करने के बाद इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाना है, जहाँ से आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है। और फिर से आपको यहाँ पे करने क्या है, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करने क्या है,
तो दोस्तों आपको यहाँ पे नाइट क्लब पे क्लिक कर देना है। नाइट क्लब पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पे व्हाइट फ्लश को अपना सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट करने के बाद टिक कर देना है, देन इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो कम्प्लीटली तैयार हो गया है, आपको इसको सेव कर लेना है।